मिशन राजगढ़ के लिए दिग्विजय सिंह ने नर्मदा की पदयात्रा का ऐलान किया है, जिसके बाद बीजेपी और कांग्रेस में शुरू हो गया है वार पलटवार। पदयात्रा और पाप वाली पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, इसी पर करेंगे बात। देखिए, दिग्विजय सिंह जी के राजनीतिक पाप पदयात्रा से धुलने नहीं वाले। जो वृक्षारोपण के नाम पर करोड़ों का नर्मदा के किनारे भ्रष्टाचार हुआ, वो लोग यात्रा का दर्द क्या जानेंगे। राजगढ़ लोकसभा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस ने पूर्व सीएम और दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। करीब 30 साल बाद दिग्विजय सिंह राजगढ़ से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। मिशन राजगढ़ के विजयी प्लान के लिए दिग्विजय सिंह ने नर्मदा की पदयात्रा का ऐलान किया, यानी नर्मदा की पैदल यात्रा के जरिए दिग्विजय सिंह जनता को साधने की कोशिश करेंगे। राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र में आने वाले सभी 8 विधानसभाओं में ये दिग्विजय सिंह यहां इस यात्रा को लेकर गुजरेंगे। 31 मार्च को सुसनेर विधानसभा से दिग्विजय की यात्रा की शुरुआत होगी। यात्रा को लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि यात्रा करने से नहीं धुलेंगे पाप। कांग्रेस का पलटवार, यात्रा करने के लिए जिगरा चाहिए। देखिए, दिग्विजय सिंह जी के राजनीतिक पाप पदयात्रा से धुलने नहीं वाले। जिस प्रकार का राजनीतिक अपराध, तुष्टिकरण, सनातन का विरोध, हिंदू आतंकवादी, भगवा आतंकवाद, ये दिग्विजय सिंह जी के शब्द हैं। जो भ्रष्टाचारी कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं, जिनके राज में मध्य प्रदेश गर्त में चला गया था, ऐसे दिग्विजय सिंह जी यदि 3 दशक के बाद चाहते हैं कि दोबारा चुनाव जीत जाएं, भोपाल से लड़े थे पिछली बार, 5 लाख से हारे, वो लोग जो नर्मदा यात्रा के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए सरकार का, आपकी हमारी कमाई का चूना लगा गए, वो लोग क्या जानेंगे। जो वृक्षारोपण के नाम पर करोड़ों का नर्मदा के किनारे भ्रष्टाचार हुआ, वो लोग यात्रा का दर्द क्या जानेंगे। जो लोग ऊपर से टपके हैं, वो लोग यात्रा का दर्द क्या जानेंगे। दम गुर्दे चाहिए, जुबान हिलाने में और पेल चलाने में अंतर है। तो सियासत अपनी जगह है, लेकिन पदयात्रा को लेकर एक बात सच है कि दिग्विजय सिंह ने 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले नर्मदा की परिक्रमा की थी, जिसका चुनाव में कांग्रेस को फायदा हुआ। बीजेपी को हराकर कमलनाथ सीएम बने थे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी दिग्विजय सिंह मौजूद रहे। कहा जाता है कि राहुल गांधी की यात्रा में दिग्विजय सिंह मुख्य कड़ी थे। अब फिर एक बार यात्रा पर निकलने वाले हैं दिग्विजय सिंह, लेकिन इसका कितना फायदा मिलेगा ये जनता बताएगी। लेकिन महाडिबेट के सवाल आज क्या रहेंगे, उनको देख लेते हैं बड़ी स्क्रीन पर। पहला सवाल महाडिबेट का क्या है, आइए देखते हैं। पदयात्रा से बनेगा क्या राजगढ़ विजय का प्लान, ये रहेगा आपका महत्वपूर्ण सवाल। दूसरा सवाल क्या है, कांग्रेस में बिखराव तो कैसे बनेगी बात, जब पदयात्रा में साथ साथ नहीं चलेंगे तो बात कैसे बनेगी। और तीसरा सवाल है यात्रा का सहारा, जनता कितना करेगी भरोसा, क्या 2018 वाली परफॉर्मेंस यहां पर दिग्विजय सिंह रिपीट कर पाएंगे, ये रहेगा बड़ा सवाल। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कौन कौन मेहमान है उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं सतीश एलिया जी, हमारे साथ अरविंद बेंजोलकर जी हैं राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आप दोनों का ही। और साथ ही थोड़ी देर में कांग्रेस और बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ इस बहस का हिस्सा होंगे। लेकिन पहला सवाल सतीश जी आपसे यही है कि पदयात्रा का जो प्लान बना और अब उस पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है, 2018 में जो कर दिखाया दिग्विजय सिंह ने अपनी पदयात्रा के जरिए, क्या अब अभी के माहौल में संभव है वो करिश्मा। राजनीतिक रिकॉर्ड है वो, जब से राजनीति में आए हैं, प्रदेश की राजनीति में, तब से उनकी दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो वो जमीनी नेता हैं, आपको याद दिलाता हूँ, वो बहुत पीछे जाके जब वो मुख्यमंत्री बने थे, उसके पहले 1993 में मध्य प्रदेश में उस हालात में चुनाव हुआ था जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को केंद्र की कांग्रेस की सरकार ने गिरा दिया था, और ये माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को सहानुभूति मिलेगी और जनता में वो राम मंदिर का आंदोलन का असर दिख भी रहा था। दिग्विजय सिंह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे और उन्होंने उस समय भी यात्राएं की थी और पूरी कांग्रेस को न केवल एनर्जाइज किया था, कांग्रेस की सरकार बनी और वो खुद उसके मुख्यमंत्री बने थे। और जब वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे तब वो राजगढ़ से ही सांसद थे, जिस वर्तमान में उनको जहां से टिकट मिला है, और उस सीट से न केवल वो जीतते रहे बल्कि उनके भाई को उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर भी जिताया। और जब वो भारतीय जनता पार्टी में आए लक्ष्मण सिंह, तो तब भी वो लक्ष्मण सिंह वहां से जीते थे।
तो दिग्विजय सिंह एक जमीनी कांग्रेस में अगर हम बात करें या भारतीय जनता पार्टी की भी बात करें तो मध्य प्रदेश के जो चंद जमीनी नेता हैं वो उन नेताओं में शामिल है, जैसे शिवराज सिंह चौहान है भारतीय जनता पार्टी में, वैसे ही दिग्विजय सिंह कांग्रेस में है और वो यात्रा निकाल रहे हैं तो वो उसका फायदा उनको निश्चित रूप से मिलेगा, लोगों में एनर्जी आएगी और राजगढ़ एक तरह से उनका होम टर्फ है, वहां से वो जीतते रहे हैं तो उनकी यात्रा का उनको निश्चित रूप से उनको लाभ होगा। पूरे मध्य प्रदेश में उसका लाभ हो ना हो लेकिन राजगढ़ में वो जो करने वाले हैं निश्चित रूप से उनको ताकत उससे मिलेगी, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है अरविंद जी, एक तरफ तो कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद सभी का कांग्रेस को बड़ी संख्या में छोड़कर बीजेपी में ज्वाइन करने का सिलसिला हम लगातार देखने को मिल रहा है, तो क्या आपको लगता है कि इस पदयात्रा के जरिए वो जो बिखराव को भी कंट्रोल करने में कामयाब रहेगी कांग्रेस? देखिए दिग्विजय सिंह जी जो है वो बहुत एक अनुभवी नेता है, उन्होंने लंबे समय तक मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है और वो कि सतीश जी ने भी कहा कि वो मध्य प्रदेश की जमीनी हकीकत से काफ़ी हद तक वाकिफ हैं। तो देखिए क्या है, इसके पहले जो भी चुनाव के सर्वे आए हैं उससे रुझान का काफ़ी कुछ पता तो चलता है लेकिन वो सब जो सर्वे थे वो कैंडिडेट के डिक्लेयर होने के पहले के थे और कैंडिडेट डिक्लेयर होने के बाद तो अभी ऐसा कोई सर्वे नहीं आया, तो उसके बावजूद भी दिग्विजय जी जो कर रहे हैं तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि उनका प्रयास ये है कि इस एक संदेश देना सारे मध्य प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, उनको एक्टिवेट करना और उनको सक्रिय करना ताकि भाजपा को सीधे सीधे वॉकओवर न मिले और एक अच्छी लड़ाई की स्थिति बन सके। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि दिग्विजय जी ने ये पदयात्रा का प्लान किया होगा और हालांकि उन्होंने तो केवल राजगढ़ में ही अपनी पदयात्रा का ऐलान किया है, उसके अलावा भी मध्य प्रदेश के अंदर में 28 लोकसभा क्षेत्र और भी हैं, तो सीधे सीधे ना कहते हुए उन्होंने शायद एक एग्जाम्पल लोगों के सामने रखने की कोशिश करी जिसके माध्यम से वो विशेष तौर पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि भाई अपने अपने साइलोस से आप लोग भी बाहर निकलिए और डट के मुकाबला कीजिए, परिणाम तो 4 जून को पता चलेगा कि क्या रहा क्या नहीं रहा, लेकिन कम से कम मुकाबला तो तगड़ा होना चाहिए और इस हद तक होना चाहिए कि लड़ाई आर पार की बन जाए। तो इस हिसाब से दिग्विजय जी का ये कदम सराहनीय भी है और उम्र के जिस पड़ाव पर वो अभी हैं उसको देखते हुए प्रतिदिन 60 किलोमीटर की पदयात्रा करना मुझे लगता है कि काफी साहसी प्रयास है और इसके जरिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जो संदेश देने का वो प्रयास कर रहे हैं वो कम्युनिकेट होना चाहिए। इसी संदेश की, इसी प्रयास की तो उम्मीद भी की जा रही थी कि जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के अगर वो इस तरह से पहले तो चुनावी मैदान में उतरेंगे और दूसरा अगर इस तरह से मेहनत करते नजर आएंगे तो फिर शायद कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़े क्योंकि कार्यकर्ता हताश, ये बात तो कमलनाथ भी कह चुके हैं। खैर हमारे साथ हमारे दोनों राजनीतिक मेहमान भी जुड़ चुके हैं, नेहा बग्गा आपको नजर आ रही होंगी टीवी पर बीजेपी का पक्ष रखने के लिए और साथ ही अब्बास हफीज भी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब्बास से पहले आपके पास आ रही हूं। जी। पदयात्रा प्रस्तावित और पदयात्रा शुरू हो उससे पहले ही सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है, बीजेपी दिग्विजय सिंह की इस पदयात्रा को बता रही है कि पाप वाली पॉलिटिक्स, यानी कि कितनी पदयात्रा कर लीजिए आप पाप नहीं धुलेंगे कांग्रेस के। देखिए अपर्णा जी, दिग्विजय सिंह जी से भारतीय जनता पार्टी का डर बहुत स्वाभाविक सी बात है, भारतीय जनता पार्टी के आगे ना वो कभी झुके हैं ना कभी वो अपने जो मेहनत है उसे कम करते हुए देखे हैं। अगर इस पड़ाव में राजनीति के और इस वरिष्ठता के उसमें भी दिग्विजय सिंह जी अगर अपने पूरे लोकसभा क्षेत्र की पदयात्रा कर रहे हैं तो एक मिसाल है और पदयात्रा से वो पीछे कभी नहीं हटे हैं, पदयात्रा में मेहनत होती है और भाजपा के लोग इस मेहनत को नहीं समझ सकते हैं। रथों पर चलने वाले, गाड़ियों पर चलने वाले, इवेंटबाजी वाले लोग शायद इस पदयात्रा का महत्व नहीं समझ पाएंगे। आइए आप भी राजगढ़, क्या भोपाल लोकसभा के प्रत्याशी युवा ही हैं, राजनीतिक तौर पे उनसे कहिए वो यात्रा करें, ये तो क्षेत्र में भी कम है, यहाँ तो दिग्विजय सिंह जी को रोजाना जो है 50-50 किलोमीटर तक भी चलना पड़ सकता है, वैसे तो 25 किलोमीटर का है लेकिन जब आखिरी पड़ाव आएगा तो उसमें शायद बहुत ज्यादा चलना पड़े। और दिग्विजय सिंह जी नर्मदा परिक्रमा भी कर चुके हैं इससे पहले भी, यात्राओं के से समन्वय उन्होंने बनाया है और यात्रा करने से लोगों में जुड़ाव जो होता है वो साफ होता है। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए
ये क्रिटिसिज्म की राजनीति करने से बेहतर है कि अपने गृहमा में जाके और खुद कुछ करें। काश देश पर की पदयात्रा की होती भाजपा के नेताओं ने तो आज ये महंगाई ना होती, लोगों के दर्द को समझा होता, लोगों के दुख को बांटा होता, और ये पदयात्रा से ही संभव है। हम तो सलाम करते हैं दिग्विजय सिंह जी को कि वो नेहा बग्गा जी का बड़ा कठिन काम। 2018 में जो फायदा पदयात्रा से कांग्रेस को मिला था, कहीं उससे तो नहीं डर गई है बीजेपी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी पेसिमिस्टिक राजनीति नहीं करती है, और ये जो दिग्विजय सिंह जी की पदयात्रा की आप बात कर रहे हैं, वो पाप धो यात्रा इसलिए है क्योंकि स्वयं दिग्विजय सिंह कह रहे थे कि जहां जहां मैं वोट मांगने जाता हूं वहां वहां कांग्रेस के वोट कट जाते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी ने तो कहा नहीं। और दिग्विजय जी ने जिस प्रकार का मध्य प्रदेश छोड़ा था, पिछले लोकसभा के जो परिणाम है वो हम सबके सामने हैं कि किस तरीके से मुंह की खानी पड़ी थी दिग्विजय सिंह जी को। एक बीमारू राज्य छोड़कर गए, इंफ्रास्ट्रक्चर टोटल खत्म कर दिया, सड़कें गायब हो गई, स्कूल गायब हो गए, अस्पताल गायब हो गए, और जो सनातन के खिलाफ उनका जो शुरू से रवैया रहा है, चाहे हिंदू टेररिज्म गढ़ने की बात हो या सैफरन टेररिज्म की बात हो या हाफिज साहब को सम्मान देना हो, ये एक नहीं अनेकों कारण है कि दिग्विजय सिंह जी को जरूरत महसूस हुई होगी कि वे अपने पाप धोएं। मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कांग्रेस पार्टी के जो दो लोग हैं, एक श्री श्री दिग्विजय सिंह जी और श्री राहुल गांधी जी, ये शुभ चिंतक भी हैं और शुभ संकेत भी हैं इनके, जब जब ये निकलते हैं अपना मुंह खोलते हैं, क्योंकि जनता को इनके कार्यकाल याद आ जाते हैं, जनता को इनकी शब्दावली याद आ जाती है, जनता को इनकी कार्यप्रणाली याद आ जाती है। और इंग्लिश में एक बहुत अच्छी सेइंग भी है कि विजन विदाउट एक्शन इज मेरली अ ड्रीम, एक्शन विदाउट विजन इज मेरली टाइम पास, एंड एक्शन विथ मिशन मेक्स अ डिफरेंस। तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए संभव नहीं है क्योंकि इनके पास तो नेता भी नहीं है, नीति भी नहीं है और नेतृत्व भी नहीं है। तो एक्शन कंप्लीट करने के लिए विजन और मिशन की आवश्यकता होती है जो भारतीय जनता पार्टी के पास है। अब्बास अवी जी, देखिए मैं इतना कहूंगा कि अंगूर खट्टे हैं अपर्णा जी, जिन लोगों के बस की 5 किलोमीटर चलना नहीं हो वो इस तरह की बातें करेंगे। पिछले बार 5 साल पहले की बातें रिया जी को भी याद होगा कि चुनाव शुरू हो गए थे और मोदी जी ने सब प्रत्याशियों से कहा था भाजपा के कि 150-150 किलोमीटर हर लोकसभा क्षेत्र में हर प्रत्याशी चले, वो भी नहीं कर पाए थे इनके प्रत्याशी। और आज राहुल जी ने कश्मीर से कन्याकुमारी और मणिपुर से बंबई तक की यात्रा पूरी की, और दिग्विजय सिंह जी ने भी हजारों किलोमीटर की पदयात्रा पूरी की है, लेकिन क्या मोदी जी ने 10 किलोमीटर की पदयात्रा की है आज तक? क्या मोदी जी इस तरह की कोई पदयात्रा आज संभव करने के प्रयास में है? अगर कर लेंगे तो देश का दुख समझ में आएगा और इस देश के दुख के जो लोग दुखी जो है उनका दुख बांटने का एक अवसर मिलेगा और इस देश की समस्याओं का शायद कुछ समाधान हो सके। लेकिन अंगूर खट्टे हैं, करते रहिए आप इस तरह की बातें। राजगढ़ लोकसभा का समीकरण पूरी तरह से पलट चुका है, इसे एक ऐलान के बाद सिर्फ। नेहा, देखिए स्वयं दिग्विजय सिंह जी ने सुपारी ले रखी है कांग्रेस समाप्त करने की, और एक नहीं अनेकों अवसर ऐसे आए हैं, इसीलिए मैंने कहा कि वो खुद कहते हैं। अब्बास जी, आपने भी बयान सुना होगा कि मैं जब जब वोट मांगने जाता हूं कांग्रेस पार्टी हार जाती है, ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा। तो भारतीय जनता पार्टी को कम से कम ऐसे किसी व्यक्ति से डरने की आवश्यकता नहीं है। ये देश का चुनाव हो रहा है जहां पे भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी की गारंटी को लेकर जनता के बीच में जा रही है, चाहे वो देश की अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो सनातन का परचम हो, चाहे वो भारत की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साख हो, या फिर देश के लिए विकास की यात्रा हो। कांग्रेस पार्टी के पास गिनाने के लिए कुछ नहीं है। जहां जहां यात्रा निकली बहुत दूर मत जाइए। अब्बास जी, आप कौन सी बातें कर रही हैं? ना बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही, ठीक है? मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी, तो थोड़ा सा सभ्यता के साथ में रहिए। देखिए, जहां जहां राहुल गांधी गए सब छोड़ दीजिए, केवल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में जहां से राहुल गांधी जी की यह भारत तोड़ो यात्रा निकली, वहां वहां कांग्रेस पार्टी का सूपड़ा साफ हुआ है, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हारे हैं। और जहां जहां देश भर में कांग्रेस पार्टी की यात्रा निकली, राहुल गांधी वहां उपस्थित हुए, किस तरीके से इनके इंडिया अलायंस के लोग छोड़ छोड़कर कांग्रेस पार्टी का साथ हाथ छिटक के आए हैं, ये भी पूरे देश की जनता। हमने रोड शो देखा, मैराथन नहीं है, ये जनता के दिल में बनाने की यात्रा है। ये जनता के दिल में जो यात्रा बना, ये जनता के दिल से जो यात्रा मोदी जी ने निकाली है विकास की,
वो आज देश देख रहा है, चाहे 370 हटाने की बात हो, चाहे भव्य राम मंदिर बनाने की बात हो, ठीक है, चाहे 70 साल में दुगना करने की, मैं आगे बढ़ना चाहूंगी, ठीक है, एम्स की बात हो, ठीक है सतीश अहलिया जी, तो ठीक है। अब सवाल यहाँ पर यह भी उठ रहा है कि जिस तरीके से अब पूरा जो चुनावी माहौल है, जाहिर तौर पर जिस तरह वक्त नजदीक आ रहा है तो बयानबाजियां और तेज होंगी, लेकिन अगर हम आंकड़ों की बात करते हैं तो अब पदयात्रा जब शुरू होगी तो उसका मनोबल कार्यकर्ताओं का तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन क्या कार्यकर्ताओं का पार्टी छोड़कर जाने का सिलसिला रुकेगा? मुझे लगता है कि जो पार्टी छोड़कर जाने की जो स्थिति है वो तो लगातार बनी रहेगी। उसके दो वजह हैं, एक तो अयोध्या के मामले में कांग्रेस का जो रवैया रहा है उसको लेकर कांग्रेस के नेता जनता के बीच में जवाब नहीं दे पा रहे हैं, कार्यकर्ता भी नहीं दे पा रहे हैं और नेता भी नहीं दे पा रहे हैं। और जो लोग कांग्रेस में सफोकेशन महसूस कर रहे थे उनके लिए एक अवसर था कि अयोध्या का एक वो उदाहरण पेश करके अस्वीकार किया निमंत्रण कांग्रेस ने, इसलिए हम कांग्रेस छोड़ रहे हैं, तो वो एक सिलसिला शुरू हुआ था। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने एक अभियान बना लिया, एक अलग प्रकोष्ठ जैसा बना दिया संगठन में कि वो टोली बना दी एक लोगों को लाना है, तो वो संख्या तो लगातार बढ़ेगी। लेकिन ये बहुत साफ है कि दिग्विजय सिंह जैसे चुनाव में मैदान में उतरना नहीं चाह रहे थे, अब उनके पास जिम्मेदारी ये है कि पूरा प्रदेश तो आप छोड़ दीजिए, राजगढ़ उनको जीत के दिखाना उनकी प्रतिष्ठा का प्रश्न है, कमलनाथ को अपने बेटे को जिताना ये उनकी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। और भाजपा के सामने सवाल ये है कि मध्य प्रदेश की जनता 2019 में 28 सीटें दे चुकी, तो क्या वो 29 सीटें ला पाएंगे? जैसा कि शिवराज सिंह चौहान को जब मुख्यमंत्री नहीं बनाया था, कंटिन्यू नहीं किया, तो उन्होंने कहा मेरा अभियान 29 सीटें मोदी जी के झोली में डालना है। प्रतिष्ठा शिवराज सिंह चौहान की बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर आपने कह दी सतीश जी। अरविंद जी, इसी सवाल को लेकर प्रतिष्ठा का सवाल है, जिन्हें अपने बेटों का भविष्य बचाना था उन्होंने कहीं और ठिकाना ढूंढ लिया ये कहा गया, और अब जो बड़े नेता को चुनाव लड़ना नहीं चाह रहे थे उन्हें अपने कम से कम अपने फ्यूचर को सेव करने के लिए, बच्चों के फ्यूचर को सेव करने के लिए या प्रतिष्ठा को बचाने के लिए ये पार्टी ने जिम्मेदारी सौंप दी है कि भाई अब करके दिखाओ। अरविंद जी देखिए, चुनाव लड़ने जीतने के चुनाव जो लड़े जाते हैं वो हारने जीतने के अलावा सांकेतिक भी उसमें काफी संकेत होते हैं। तो जिस तरह से अभी चुनाव का माहौल था वो चुनाव के ऐलान के पहले बिल्कुल एक तरफा दिख रहा था, तो उसको कुछ रोचक बनाने के लिए इस तरह के जो प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो ये प्रयास किए जा रहे हैं इनको अगर और थोड़ा सफलीभूत करना है, इन्हें और थोड़ा सफल बनाना है, तो इसमें जो संदेश है वो भी होना चाहिए। दरअसल में कांग्रेस के साथ में दिक्कत यह है कि कांग्रेस ने प्रयास बहुत सारे किए लेकिन क्या है, जनता से जुड़ाव नहीं था उसका। तो जनता के जो मुद्दे हैं या जनता की जो जनता जो चीज़ों को सुनना चाहती है या जिन चीज़ों के ऊपर में जनता कांग्रेस से, जैसे सनातन के मुद्दे पे या जैसे अभी राम मंदिर के मुद्दे के ऊपर में कांग्रेस ने फैसला किया कि वो प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जाएगी, तो इस तरह की चीज़ों के ऊपर में ये पदयात्राओं के साथ साथ में इनके ऊपर में भी विचार किया जाना चाहिए कि इनको किस तरह से जनता के बीच में लेकर के जाना है और जनता को क्या चीजें पसंद है उसके मुताबिक काम करना होगा, तभी जाकर के कांग्रेस अपना जो मैसेज है वो जनता के बीच तक पहुंचा पाएगी और अपने आप को कनेक्ट कर पाएगी और चुनावों के परिणाम फिर आशा अनुकूल आना शुरू होंगे। तब तक के जब तक कांग्रेस इस तरह से कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं करती है तब तक मुझे लगता है कि ऐसे प्रयास बहुत ज्यादा सफलीभूत नहीं होंगे। और जहाँ तक सवाल है कि लोगों जो लगातार कांग्रेसी छोड़ छोड़ कर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, मतलब भाजपा में जा रहे हैं, यहाँ तो मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है और उसके सामने भाजपा है, तीसरा कोई दल नहीं है, तो वो दोनों जो भी कांग्रेस से निकल रहा है वो जाहिर तौर पे भाजपा में ही जा रहा है। तो ये सिलसिला इस पदयात्रा से रुकेगा नहीं रुकेगा इस बारे में तो मुझे नहीं लगता कि कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि पदयात्रा तो राजगढ़ में होगी और इसके अलावा भी 28 लोकसभा क्षेत्र हैं पूरे मध्य प्रदेश में, तो वहां पे लोग कितने इस मैसेज को कितना प्रभाव पड़ेगा उन पर, आसपास कितना प्रभाव पड़ेगा ये भी देखना होगा। ठीक है सर, अब बस यहाँ पर ये भी सवाल होता है, बीजेपी कह रही है हमारे पास ब्रांड मोदी है, दूसरी तरफ वो दिग्विजय सिंह या बाकी नेताओं को जो मध्य प्रदेश की सियासत के लिहाज से बड़ा कद रखते हैं उनको तो वो लकी मैस्कॉट बता रहे कि भाई वो मुंह खोलेंगे बयान देंगे हमारा ही फायदा होगा, तो कैसे निपटेंगे आप?
महंगाई के ऊपर बात करेंगे क्या मोदी जी? महंगाई पर नहीं बात कर सकते हैं, पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों पर बात नहीं कर सकते हैं, कोई गारंटी नहीं बता सकते हैं जो पूरी हुई हो आर्थिक बदहाली से बाहर निकालने की। तो ये बार बार बड़े बड़े स्तर पर महिमामंडन कर देना, इससे ये मतलब नहीं होता कि जनता अपनी बेरोजगारी भूल जाएगी। इसका ये मतलब नहीं है कि मोदी जी का चेहरा दिखा के आप राघोगढ़ में या सुसनेर में या सहारनपुर में या भोपाल के विधानसभा क्षेत्र जो है, जो लोकसभा के क्षेत्र है अलग अलग, या इंदौर के लोकसभा क्षेत्रों में एक ग्रामीण आंचल के व्यक्ति बता सकेंगे कि नहीं ये सरकार किसान विरोधी नहीं है, ये सरकार युवाओं के विरोधी नहीं है, इस सरकार के कार्यकाल में अगर बेरोजगार है तो उसमें 86% युवा नहीं है। ये सारी चीजें बतानी पड़ेंगी। आप चुनाव आने दीजिए, जनता का सामने करने दीजिए, ब्रांड मोदी की भी हवा निकल के सामने आ जाएगी कि जितनी हवा बनाई गई है मुझे नहीं लगता कि उतना खरा उतर पाए हैं बीजेपी के लोग उसके ऊपर। मोदी 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 करते करते एक चुनाव निकाल दिया, लेकिन मोदी जी के सहारे दूसरा चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में भी बहुत मुश्किल है बीजेपी के लिए। अगर नहीं होता तो इतनी तोड़फोड़ करने को बीजेपी मजबूर नहीं होती जो पूरे देश में कर रही, कभी सरकार गिराना तो कभी लोगों को लाना, कभी दूसरी पार्टी के लोगों को लाके टिकट देना, अपने जो नेता हार गए विधानसभा चुनाव उनको मजबूरी करना फिर से लोकसभा का टिकट दे देना। ये साफ बता रहा है कि दीवार पे लिखी इबारत क्या है, राइटिंग ऑन द वॉल क्या है, बहुत स्पष्ट है, आने वाले समय पता चल जाएगा। नेहा, अगर इतना ही विश्वास है ब्रांड मोदी पर तो फिर दूसरी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को शामिल करने के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की होड़ क्यों? एक सवाल तो ये, और दूसरा सवाल ये, और दूसरा सवाल ये कि अगर यहाँ पदयात्रा शुरू होगी और साथ ही बात भ्रष्टाचार पर भी होगी, आरोप एक बार फिर कांग्रेस लगा रही है बीजेपी पर कि क्या किया आपने सफाई के नाम पर। देखिए, अगर जब से राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे तब से लेकर आज तक 550 से अधिक इनके 15 मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय संगठन के लोग और जिले तक आ जाइए सब छोड़ छोड़ कर चले गए हैं, तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार नहीं है। मध्य प्रदेश का एक युवक है जिसने गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड को लिखा कि ऐसा कौन सा राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा जिसकी अध्यक्षता में सबसे ज्यादा लोग छोड़कर गए, पार्टी डूब गई, तो उसका नाम राहुल गांधी है, उसको आप चढ़ाइए। ये मैं नहीं कह रही, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही, मध्य प्रदेश के एक युवक ने अपनी रिसर्च पे ये आग्रह किया था गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड को। नंबर दूसरी बात है कि अगर कांग्रेस पार्टी के पास कोई उपलब्धता होती तो मोदी 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 कह के उस फोबिया से जो एक ग्रसित है वो सामने नहीं लेकर आते। मैं आपको बताती हूं कि आरबीआई कहती है कि अगर जीडीपी 5% के आसपास आ जाती है तो वो एक हेल्दी इकोनॉमी मानी जाती है, तो हम लगभग उसके करीब 5.09% पर आ गए हैं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में कभी ऐसा हुआ क्या? अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री हमारे पास में रहे हैं। आज अगर 75 सालों में जितने बने थे उसकी दुगना 10 साल में बन गए हैं तो ये जनता देख रही है। आज अगर जिस तरीके से इंटरनेशनल नेशनल एयरपोर्ट हमारे देश में आए हैं वो उसकी संख्या भी दुगना हो गई है, ये आज जनता देख रही है। मध्य प्रदेश में या भोपाल में देखिए, रानी कमलापति जैसा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन है, 12 किलोमीटर जो है हमारी रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन प्रतिदिन हो रहा है, 40 किलोमीटर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रतिदिन बन रहा है, अनेकों टनल्स बन चुके हैं, और जिस तरीके से जो भारत है हमारा सेकंड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग बन गया है, आज जिस तरीके से तमाम उपलब्धियां आपने गिना दी, लेकिन कर्ज कितना बड़ा है बता दीजिए। वापस अभी हाल में पिछले कुछ दिनों पहले ही सीएम यादव ने वापस कर्ज लिया है, मुख्यमंत्री का बयान भी आया था कि विकास के लिए आवश्यक है, उसमें भी आपको देखने की आवश्यकता है कि जो जनता के कल्याण की योजनाएं हैं जिनको डीबीटी के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है उसके लिए इकोनॉमी निरंतर चलाने के लिए ये काम करने पड़ते हैं, ये राज्यों में भी कोरोना जैसी जिस परिस्थिति से हम निकले हैं, आज कोरोना जैसी जिस परिस्थिति निकले, जहाँ पे यूक्रेन रशिया का वॉर, जहाँ पे हमास का वॉर, नेहा जी जब सिंधिया, अरे नेहा जी कहाँ चले गए, सुनिए ना, सिंधिया जी जब बीजेपी में नहीं थे तो एक मिनट बोलिए, समय बहुत कम बच रहा है जी। सिंधिया जी जब कांग्रेस में सबसे बड़े भूमाफिया थे, प्रभात झा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बयान दिया था, अब वो भूमाफिया नहीं है। अशोक चव्हाण जी को मोदी जी ने फ्लैट चोर बताया था, फ्लैट चोर आदर्श स्कैम का, वो अब राज्यसभा भेजे गए हैं बीजेपी की तरफ से। ऐसे अनेकों अनेक नाम है, इन दो पे जवाब दे दीजिए, मान लूंगा आपका कि पहले झूठ बोलते थे आपके नेता या अब झूठ बोल रहे हैं आपके नेता, झूठे कब थे, अब थे, अब है या पहले थे? सिंधिया जी क्यों अब नहीं है, वो क्यों अब अशोक चव्हाण नहीं है बताइए। देखिए, बाला साहब ठाकरे जी ने जो कांग्रेस पार्टी के लिए कहा था
और उसके बाद जिस तरीके से आपने गलतियां की मुझे लगता है आपको ठीक है आप देने की आवश्यकता है। इतना ही समय बच रहा है मेरे पास, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। मध्य प्रदेश की मैं डिबेट में फिलहाल इतना ही, लेकिन इस सियासी बयानबाजी के बीच मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है आपके गली मोहल्ले में, आपके क्षेत्र में, वो जानने के लिए लगातार जुड़े रहिए।